बापू तो एक बात बता, फिर तो तू मर जाएगा। पूछ कौन सी जाएगी? मुझे नहीं बता, चौधरी कैसा बना जा? तेरे बाद तो मुझे चौधरी बनना है। चौधरी बनना ही है कहते थे? बिल्कुल बनना, बस तू बता दे बनेंगे कैसे। चौधरी बना दे अंगे थे, ना किसी की सुने, हंगा मेरी जात चढ़े लोगों के सिर पे, ओड़ी सोड़ी कुछ ही फंसा दे। बस और नहीं कुछ करना। करना? हाँ। अपने तो ऊपर को नहीं आन देना किसी को, समझ गया? ना समझा तो और नीडी कर दो। कर दे। मेरा कहने का मतलब यू है, कहीं बैठ के तो दांत पाड़न लगे और किसी का कोई मर खिर जा, पांच चार कुंगरू को रखे गैल और रसगुल्लू का काम जुड़वा दे, और हो किसी का ब्याह बारात, जितनी टांग अड़ाई जाती उतनी अड़ावे, और कोई चंदा फाट के नाम का वे लोगों में खड़े होकर नाइट जा। भाई बापू, तेरा इशार नहीं उतरे, तू तो बहुत दिमाग का पाया। हाँ चल रहा है, देखे काम में रोड़ा सा हो रहा, देखे के बात हुई है। कहाँ जा रहे हो दोनों? थारी रोटी पचाए ना पचती है, एक हवाल लग रहा सवेरे का लिकड़ा आया। अरे तू हमें यहाँ रोक के भारी वक्त गिरवा गया की काम तो दे, मेरी वक्त कहीं ना पता काम में कितनी वक्त है। इस मरे काम तक डूब या खिस्सा में तो कहीं देखा नहीं, सारे गांवों में पार्टी बाजी बन रही, पर यहाँ भी नहीं पुरानी बात। थारा घना जी लगाया के पार्टी बाजी में? अरे माँ, जितनी पार्टी बाजी होंगे उतने ही रोड़े रुके होंगे, और जितने रोड़े रुके होंगे उतना ही जी लगेगा आदमी का। फिर दे दूंगी हेक में खोद दा, तुझे करवा दूंगा अभी पार्टी बाजी, आदमी के झुंड में खा लो करके। फूल के लिए मरे गांव को छोड़ के सब गांवों में पार्टी बाजी की ऐसी सूद सी खींच रही, तेरा मियो ब्याह बारात हो पार्टी बाजी के हिसाब से ना, और मरे गांव में काल बारू की पीलिया ब्यागी सारा गांव कोडा हो गया, नू कह रहे जन्मदिन मना मंगे बारू, तो नू भी कह रहा था कि डीजे बजवा मंगे, फिर आगे कह रहा होगा बारू अगर हमारे कुतिया भी आइए डीजे बजवाऊंगे। सुधर जा मान जा, मैं नू कह रही हूँ जिंगे तिंगे की आग लगानी छोड़ दे, अन्नी किसी दिन थारे बाप बेटान का ऐसा डीजे से बजेगा तुम याद रखोगे, सुधर जाओ। मची तू कहाँ चला? हम यूँ चले गए रोड़ा सा हो रहा, यूँ देखा किसका कुछ बाज रहा। हाँ जाओ फिर यहाँ, जाओ देखो। मैं तनु कहूँ आ थारी थूं थोड़ का भेज दोनों ने, एक ही कछुआ सा यूँ चल दे गैल लग के, और दग्गी ताल सी भर गई है कोई जगह चुपची सी। अरे घना बड़ा नेता है तू, घनी गर्मी चढ़ रही दिखे। चढ़ रही क्या कहता मेरे भाई को ठेके पे? अरे दिन क्या कह था वे? तू क्या कह था? बता। नहीं तू बता, तू बता तू क्या था? बालक ने जोड़ दिया दिखा काम से। अरे तू यहाँ खेड़ा पड़ी जाने बाका कोई जगह पटूम तू भी। अरे रोड़ा कुछ नहीं, तू जैकेट और किसी पकड़ा है से ठाली खेड़ा दे दे तबला सा। अरे कितना ढीला बालक है, अरे नहीं चले गए हाथ लड़ाई में, तो दो फेरे आ लेते हम लोग। तू घड़ा घड़ा क्या कर रहा है? नीच मार के भाग जा। अरे सिसरे कहीं के बताओ, बालक लड़न लग रहे हैं और तुम बैठे बैठे लड़ाई का स्वाद ले रहे हैं। अरे खड़े होके ना छुटा दो। तू हमें ना लेने दिए स्वाद, पता ना कि तेज सरपंच बने। बता दी नाटक लगा सु लड़ी थाई थारी लट्टी मारी लाठी, यू किसने दिए घर में से? अरे मैं कह दिया था मच्छी को मगा पकड़ा देख, छोरा से ठंडी खेड़े था मगा, यू भी तो करेगा कुछ। शर्म तो नहीं होगी, घर के बाहर लड़ाई हो रही है, तुम तमाशा देख रहे। अरे तन्ने बिना छुटा ही देख रहे हैं मुंह पाड़ के। अरे मैं भी तुम्हारे पीछे आया हूँ, मैं भी देखा थोड़ा सा। भैया तू जा किसका, चल। इब गणेश शर्मिंदा ना करे, मैं मच्छी जांगे ले आऊंगी मामले का बेरा से काट के, क्यों करी जुड़िया यू काम। अरे मच्छी मैंने को तो जोर पड़े ससुरा गांव में किसी का कर डरने रम हो जा कुछ सरिया वरिया देर लग रहा लड़ने की नहीं, और जोर पड़ा है इस पर। बापू एक बात बता। हाँ। यू कैसी लड़ाई? हाँ। ना तो साले कोई से को कुर्ते लत्ते पट रहे। हाँ। ना भाई खून खून हो रहा कुछ भी ना चोट फैट कुछ। हाँ। कुछ भी ना रहा, हम तू तू बावलों की तरह घूमता फिर पता लिखता हुआ काम होता। अरे बस ये हमदर्दी है अपना, समाज से को देख के चलना पड़ेगा। हमदर्दी और धर्मवीरा कहाँ घूम रहे? अरे घूम के बस भाई आई, समाज की भलाई बुराई से लेते आएंगे। ये दोनों ना देख रहे कोई से ना पीछे बैठे कोई है। धर्मपाल वाले घेर में लाग रही दिखे पटले से। मैं कहूँ कुछ करेंगे श्रद्धा से, नहीं तस्सू के नाम की पिल्ली लग रही बिछाने। श्रद्धा कहीं की? श्रद्धा कहीं की? अरे वही लड़ाई झगड़ा। हाँ वहाँ पर जाके श्रद्धा की गरीब का बाज गया। चलो भाई चल।
चलो उठ के। अरे सुनिए दम भी रे। हाँ। यार यार बात आधे में लग गया तुम। हाँ आधे में बताओ। अरे मैं यार बताऊँ ना तुमने तो आधे में बात सिरा दिया। आधे में हमें कह रहा हमें पतली डब्बे रहा पाइट गया तेरे गाल में नहीं पता पिटा। अरे छुपाई रख गया वही मारे गिर आगे बच गया तुमने तो पूरा। अच्छा हाँ हम तो मगर लेबा प्यारा जमे मानस फिर कहने के बाद प्यारा नहीं ले गया वही ना फिर कुछ लाल पीले से। अरे ना रहेगी थोड़ी सी कसर सी तो दोनों ही वैसे लिख रहे। हाँ नहीं लिया मैं पता सा पता ना के छेड़े लिख रहे कुछ नहीं काम कर जाओ फिर ले जाएगा कुछ पता सा। अरे हम ही लियाँगे क्या पता आ तू भी चाल कुछ तू भरिए चुपटी सी कुछ हम भरेंगे। अरे मजे तो कुछ काम सा है तुम कर लो ये काम सारी जिंदगी करे मानस घने दिन हो गए काम में फिर अम्मा में तो फिर आज ठीक है चल गाँव की राजनीति में इंटरेस्ट ही ना मानस होगा यह है दलों का घेर है भी सर कुछ देखे ट्रैक्टर गड्डी थ्रेसर सड़ा सड़ा डंगे के और पिट के और वह बैठा देख क्यों कर बैठा सारू का सिर जोड़ ये वह प्रेसिक चले चल वा खड़ा वहाँ पे चल चल बे खड़े होते यहाँ के काम है चल। हाँ बस सूरजवीर रिपोर्ट सपोर्ट करी कि ना करी लो बालकू की डबका इतना जोर पड़ा सूरजवीर पड़ा होगा मुझे के पता तू हुक्का पी हुक्का पी आ जा वहाँ पे तुझे पता हमारे जीपे के भीतरी अब तक तो पुलिस की गाड़ियों की ढाई ढाई होनी थी और तू बैठा सिर जोड़ो यहाँ। ओम प्रकाश तुम जिस धोखे में होने मथन जा लिया थाने मेरा पे दुमान तम नाश करवाने के नाम क्या रे के ये दुख सुख में आने जाने पते सते लेने थरे किसी ने छुटवा दिए और ना सुसरे बालक की कुछ इवलो तो जाकर कबड्डी सी गाल देते जोर पेड़ा मारे पे अब मारे उठा पे ठीक है माना जर पीट के चले आए अंतर तक ये डीग मारनी छोड़ दे बालकों के आगे नहीं तो नाश हो जा। अरे बापू हाँ तू कर इनमें ना दिल दिल ना है तू कर दे ठाके सौ नंबर पर फोन अग्नि को रात तू सोने ना देते हम इनकी गाली सुना का अपना कुछ काम धंधा करे हमें ये तो राजी खुशी का पता नहीं बताओ ये तो पिट के बैठ गए इनके बस की ना कुछ भी और हम देखेंगे। अरे गुड के भाई तम आगे बढ़ना हो तमें तरक्की करनी हो अत लड़ाई झगड़े ते पड़ेगा बचना लड़ाई झगड़े में बढ़ोगे अत जाओ इस तभी तले दस जाओगे। मच्छी उस गाड़ में इतना पानी भर जाता सारे भीग जाते और आगे ना करते इसी को चुप उतर के नहीं गए और के शॉर्टकट शॉर्टकट ये बैठे। अरे हो गए सोबीर आ जाओ अब उठ गए आ जा भाई आ जा लड़ाई ते बचने के फायदे ही फायदे है जितना बच लेंगे इतना ही फायदा सारे फायदे ही फायदे की बताऊंगा कोई एक अति बसी बता ले बैठने तू क्यों खड़ा रह गया इन बालकों की सारी को पिटवा के बैठ गया अभी लग रहा भाषण देन गहनी पे जन होती है बात। ओ चाचा हमारा भी उतना रेड करण का बे तो चोखा देखे के कसर है हमारे यो हमारा चाचा ना लड़न देता हमें तो ये डराव रखे बस सुर जागो मैं ये लोग का हिम्मत कर ले। अरे प्रेम पाल इतना सुथरा बालक केला ही सारी को कूड़ में लगा देगा और डरे बैठे तुम इवलो तो जा लेते ले क्या इसे तो थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। हाँ। तुम ना करोगे तो हम करेंगे तुझे सपोर्ट भाई ओए तुझे कट्टा चाहिए गोली चाहिए हम देंगे पार्ट दे सिस्टम को। ओ भाई माची या शिक्षा किसी और को दे लिए हमें जिलन दे। ओ सोबीर इतना बड़ा साध बने तो काम ना चलता इन बालकों को कहो आओ बालको प्लेट प्लेट मार के जाओ थाने में एक जुड़ा काम एक मिनट में सारू को ले जाएगी खींच के प्लीज। अरे यार तुम तो बहुत बेकार आदमी यार इतने मारी गाल राड हो जाती ना हम तो खून हम खून करते थे साले तुम बापू खड़े हो जाते तुम जा कसर हरी भी एक बात बताऊं तुम सारू को पता है थाने में कुछ करवाना हो और हूँ डॉक्टरी की दौरे भी मेरी बढ़िया उठ बैठ है डॉक्टरी भी बदलवा दूंगा पर काम कुछ जुड़वा तो मेरे न्यानू बैठे आ रहे सब अरे आप उठ के चलो बहुत बढ़िया सुन ली इनकी ऐसा है इन्हें दूसरा काम ना इनकी बातों पे ध्यान ना दियो नू देखो गाल मुकवान का रास्ता नहीं था कोच्छे को आ लिए चिड़के अब क्यों कर मारा नाश होवे लोगों के रोची काम करे था पचे पर इनके रोची लोगों की राइड कराए था पचे इनकी पे ध्यान दे ना दियो। अरे धर्मवीर इस टाइम कहाँ घूम रहे हो। अरे कहाँ के घूम रहे हैं मेरे यार ये सपना इतना दुख दे रखे कुछ बात भी है तेरे चाचा लोगों में अपने बाल के थमते नहीं और हम हंडे फैसले करते हैं
अरे धर्मवीर है किसका फैसला करवा के? अरे किसका के सुरजा क्यों कर दोनों के उठ रहे थे लट दोनों थोकू को किसान मंदिर आमंद करके चुप करके आए थाने में कह रहे थे दोनों जान को मगर ना यही ने मटवा देंगे हम ये बताओ बाबा धर्मवीर लोगों में इतनी गर्मी हो रही कि मरे वाले कर रहे थे काली पेड़ी आए फिर नहीं पता कहाँ है यह तो बात है बताई नहीं थरे वाले की राइड किस बात का बात की होती कुर्रू का मामला अलग रहा अरे गेर कुर्रू के जेरे में तू हमें तो नू बता सींग अलजे कि नहीं अलजे अरे ना गुंजाइश नहीं कुछ भी ये बात हर्षी का हरकत हुरकत है क्या कुछ ना हरकत तो कुछ नहीं बस जी सही ना लगता क्यों ओ सिब्बन इनका जी लगा है लड़ाई झगड़े में लड़ाई झगड़ा कहीं हो ना रहा इस हमारे इतने समूह ये बैठे हैं इनके चली चच्ची इतनी दिल मन नहीं रेड पिशाद ना होएगी हाँ अरे भैया तो रोटी ना खाते कई कई दिन इतना राड झगड़ा ना देख लेते इतना इनके रोटी ना पचती अरे सिब्बन इतने गांव में गद्दम गद्दा सी ना हो इतने के जी लगे के गांव पना ससुराल अरे मेरे यार के गा उस दिन सुरतो को भी लड़ाई हुई आ गई ना सर के रेड तो सुर मास्टर गाल भी हुई क्या कोई सा वो तो इतना डूब गया उसे तो जहां एक बार किसी ने मास्टर ईश्वर सिंह कह दिया बस गद फैसला कर लेगा और अगले दिन जालेगा उनके घर और किस छरी को साइंस दो साइंस कहां का मास्टर है वो बस उसे तो एक बार ईश्वर सिंह कह दो कोई फिर चाहे कितने जूते मारो उसको अच्छा जी जैसा ईश्वर सिंह का गुजारा ना और कई नौकरियां में घर में की डर तो मानस धूल ठवा दे धूल मानस हो धूल ठवाओ तुम किसी की लड़ाई बुझा भी देख रहा क्या लड़ाई में जी लगा है थारा बप्पू रोड़ा होना दिखे उस्ताद जी लड़ाई बाज के दिखे चलो 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 मैं भी भाई इनके तो मोर कैसे कान हो रहे हर वक्त नु सुनते रहे लड़ाई हो रही दिखे लड़ाई हो रही दिखे लड़ाई में ही मरेंगे ये तो कम मखत जा मैं ना खड़ा होके जा तू भी देख कर लड़ाई तेरे कौन सी रोटी पचे अभी का लड़ाई देखे राम 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 भाई आ जाओ बैठो ठीक हो हाँ ठीक है तुम बताओ क्या चंदा कर रहे हैं चंदे कहाँ के कर रहे हैं भैया बाबा चंद सिंह की बहू लड़की जी ढूंढ कर लिया भाई फिर यू गांव का ठेका है क्या अकबचन सिंह की बहू लड़की कर लो फाट सांग है कुछ यू अरे भग भग के जा रही है गांव चंदा उगाता फिरे जाओ इन्हें ढूंढने की नियो और ठेका ठाया इनका ढूंढने का जा रही है तो जान दो पर ये जरूरत ढूंढने की चाची गरीब आदमी है ढूंढ लेंगे कहीं जा चाचा हाँ 100 रुपए कॉल ओ भाई हम नहीं दिया करते हम गौशाला में नहीं देते चंदा यू बताओ बस की भूखू ढूंढने यार चंदा हम दे हम नहीं दिया करते जाओ कहीं और कर लियो चाचा नौकरी कर रहे हैं के गांव राम का काम है अरे चाचा दे देना नौकरी कर देना ओ भाई 100 रुपए हमें एक ही डाल दे सके चाचा क्यों कर देगा बता दे दू मैं 100 रुपए तू इस मामले को नू करवा देगा अपहरण कर रखा कैसी कहीं अच्छी गहनी बढ़िया तोड़ कर दिया अरे चाचा क्या कह रहा था के कह रहा रुपये 1000 लीजिए तुम्हारे पते चंदे के प्रेमपाल कर शिवन का नाम लिखवा दे उन्होंने अपहरण कर रखा चाचा देने दे दे अन्ना गांव में बैठना बंद कर दे अरे भैया तुम अपने घर को जाओ तुम यहां किसके चक्कर में पड़ रहे हो जाओ कहीं और मांग लो हम सलाह देने लग रहे ओ भाई तू जा चलिए भाई धर्म मेरे हम तो तेरे कभी आते जाते नहीं फिर तू हमारे कहीं के लिए हमारा भी ना आया करे भाई क्यों ना आया करूं हाँ समाज में नहीं रहना मजा भाई जी एक बात हो मैं क्या लग रहा तुझे तू कर देगा मैं मरा आने की चाल मरे पता होने की हाँ तो हमने तो कह दिया हमारा ना आइए भाई अम्मा चाहे तू जूत भी मारिए जी भी अम्मा ठीक है बात है कुछ काम में समाज में आना जाना नहीं छोटा था कह ली के था हाँ ठीक भाई परमात्मा ने जितना सोना मिजान थरा बनवा रखा 10-12 छोरे देख कितनी लंबी लंबी नाइट के जवान हो रहे 5-7 नौकरिया में खा देता एक बार जाके धूलिया दे देता आंख मार के ना की दे रहता ठीक है तेरे वे तो सारे क्वार्ट बेड बेड भीतर बैठ जाते मुंह देते सुसरे लत्ती में और तू बैठ गया करू बात है मानस की नु कह ना करे मेरा ऐसा है आग लगाने की बात ना करे बालक जवान हो रहे सारी बात समझे तू आगे आग लगानी सांस बिना कह दिया कोई से ने तेरे बैठे मजे देखने लग रहे ले भाई धर्मवीर भी
अरे ओके पीने के काम करे तू पी ले अरे घोट मार ना मैं तुम ना मार अरे एक काम कर खड़े हो अंते तू हमारे घर में आग लगाने की बात पूछ क्या मैं खड़े हो अंते खड़े हो आते पीछे हमारे आना ये चल कर अंते कह दीजिए ते बाल को कुछ सिखावे खड़े हो रे जितनी अकल थी उतनी कह दी हां कह दी हां ता मेरी बात सुनो यू बापू बेटा 24 घंटे जेब में माचिस रखे हैं आग लगाने में एक सेकंड नहीं लगाते इनकी बातों पर ध्यान ना दियो बिल्कुल नाश करवा देंगे और जिस दिन ते मारी इनकी कवा सुनी हुई इन्होंने 10 चक्कर मार लिए और ये डाल के बेटा सैकड़ों अन्य काम में धक्के खाते अब कोर्ट पर किसका नाश करवा में इस बात को ना दियो अपने काम में लगो बेटा अपने ध्यान में लगो।